अपना उत्तराखंड आप देख रहे हो ना। ये सबसे पहले आपको बताते हैं, बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की मतगणना इस समय जारी है। तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हुई है और आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लखपत सिंह बुटोला आगे चल रहे हैं 1628 वोटों से। मंगलौर में भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, काजी निजामुद्दीन यहां से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये 2000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की इस समय काउंटिंग जारी है, 10 तारीख को मतदान हुआ है और अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। हमारे साथ हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हैं, चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ हैं। जल्दी से अपडेट लेते हैं मतगणना के ऊपर हमारे सहयोगियों से। सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार, जहां से पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, मंगलौर की जो ये सीट है बेहद महत्वपूर्ण सीट, जिस पर बीजेपी ने तो अपना खाता भी नहीं खोला, लेकिन यहां पर बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां से बसपा भी जीतकर सामने आई है और कांग्रेस भी यहां से जीतती रही है, लेकिन इस बार जो काउंटिंग हो रही है उसमें कांग्रेस कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस समय, कैसा माहौल बना हुआ है, कितने राउंड की अब तक काउंटिंग हो चुकी है, कब तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी? देखिए, मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की वोटों की जो गिनती चल रही है उसमें 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 3 राउंड का जो शुरुआती जो रुझान आ रहा है वो उसी तरह का आ रहा है जिस तरह का इससे पहले भी जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आते रहे हैं। जैसे कि ये जो सीट है ये या तो अभी तक कांग्रेस इसमें जो है जीत पाई है या बसपा इसमें जीत पाई है, लेकिन भाजपा इसमें आज तक खाता इस सीट को इस पर किसी भी चुनाव में नहीं खोल पाई है। और अभी जो शुरुआती रुझान है वो नतीजे भी इसी तरह के नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है वो भाजपा कैंडिडेट और भाजपा नेताओं के लिए वो ज्यादा अच्छे नहीं है, वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो लगातार 3 राउंड में, 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगातार 3 राउंड में वो आगे चल रहे हैं और फिलहाल वो 2093 वोटों से काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बसपा के कैंडिडेट है उबैदुर रहमान और तीसरे नंबर पर काफी ज्यादा वोटों के अंतर से जो पीछे चल रहे हैं वो भाजपा के करतार सिंह भड़ाना जो है वो भाजपा के प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे हैं, तो भाजपा के लिए संकेत जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। और अभी 3 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई, 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हुई है और इसी तरह से यदि अगर जो काउंटिंग है, जो रुझान है वो आगे बढ़ते रहे और इसी तरह के नतीजे हर राउंड के आते रहे तो जो 5 या 6 राउंड की जो काउंटिंग है उसके पूरी होने के बाद ये जो स्थिति है वो स्थिर हो जाएगी, वो और जो हार जीत पुलकित, हमने देखा था जब 10 तारीख को मतदान हो रहा था तो इस सीट पर कई जगहों पर विवाद भी हुआ था, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात करना पड़ा था। कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर जो काजी निजामुद्दीन है उन्होंने खुद आकर कहा था कि भाई बीजेपी कैंडिडेट जो है यहां पर वो यहां पर शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी यहां पर मुस्लिम लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है। तो हमने वोटिंग के दौरान विवाद होते हुए देखा था, आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो अभी तक 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, आगे अभी ये तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ देर के बाद कि आखिरकार जो रुझान आ रहे उसके बाद नतीजे क्या इसी रुझान में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहां पर काजी निजामुद्दीन तो थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आरोप तो वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे थे, पर जो नतीजे आ रहे हैं वो उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, नतीजे उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसके जो नतीजे थे तो उससे पहले 2017 में काजी विधायक के रूप में यहां से जीत चुके थे और 2022 के जो चुनाव थे उसमें भी बेहद कम वोटों के अंतर से वो बसपा कैंडिडेट से हारे थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो इस बार भी जो फाइट है वो बसपा और कांग्रेस के बीच में होगी और उसी तरह से फाइट चल भी रही है और काजी निजामुद्दीन के लिए जरूरी राहत वाली खबर है। जहां तक बात जो वोटिंग वाले दिन में कुछ हिंसक घटनाओं की जो बात है तो जाहिर तौर पर ये वोटिंग शुरू होने के थोड़े ही समय बाद ये कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी, दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसे किसी भी तरह की चीज से जो है इनकार किया गया था और बूथ कैप्चरिंग या जो वोटिंग है उसमें किसी भी तरह की धांधली करने जैसी बात से प्रशासन की ओर से इनकार किया गया था, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरह की तस्वीरें मीडिया में चली थी, सोशल मीडिया में चली थी, तो उससे ये माना जा सकता है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ऐसा प्रतीत हो रहा है शुरुआती रुझान में। लौटूंगी आपके पास हरिद्वार में, तो देखिए यहाँ पर मंगलौर की जो सीट है यहाँ पर तो आप त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, हालांकि इस समय जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन चमोली चलते हैं जहां से नितिन सेमवाल हमें और जानकारी देंगे। नितिन, देखिए बद्रीनाथ की जो सीट है यहाँ पर तो सीधे तौर पर दो ही मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच में टक्कर है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। यहां पर से आप अभी का अपडेट दीजिए, जो जानकारी मिल रही है यहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट ही आगे चल रहे हैं, आपके पास क्या सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी देर में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है बद्रीनाथ सीट पर? जी, अगर अभी बात करें तो लगभग तीसरे राउंड की काउंटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 1000 वोट के आसपास से अभी आगे चल रहे हैं।
जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कांग्रेस की जीत लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, अभी शुरुआती अगर रुझान करें तो माहौल जरूर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी ये होगा कि कौन से बूथ पर किस तरीके से बीजेपी लीड करती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में हमने देखा है कि गांवों में भी कांग्रेस बीजेपी की अलग अलग पकड़ होती है। कोई गांव में बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी होती है तो कहीं कांग्रेस की पकड़ बहुत अच्छी होती है। अगर हम एक मोटा मोटा समीकरण देखें, अभी कांग्रेस के वो गाँव हैं जहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी खासी लीड की है, पिछली बार इन गांवों में जरूर बीजेपी ने लीड की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहां पे अपना वोट बैंक बढ़ाया है, तो कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की तरफ जरूर बढ़ी है। ऐसे में उन गांवों में कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस अभी लीड करी है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन प्रत्याशी कितने आगे बढ़ सकता है, स्थिति का, लेकिन नितिन ये थोड़ा हैरानी वाली बात हो जाएगी अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती है तो चिंता थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए इस सीट पर तो हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी, उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री, अनिल बलूनी यहां पर प्रचार करने के लिए भारी बारिश में भी पहुंचे हुए थे और डोर टू डोर भी प्रचार किया गया है, लोगों से बोला गया है कि भाई हाथ जोड़ के अपील की गई है कि आप अपना वोट जो है वो बीजेपी को दें। लेकिन ठीक है, अभी शुरुआती रुझान है, पर ये शुरुआती रुझान जो है वो कांग्रेस का मनोबल बढ़ाएंगे, उनका हौसला जरूर बुलंद करेंगे कि आने वाले जो और यहां पर जब राउंड की काउंटिंग हो तो उसमें प्रचंड तरीके से कैंडिडेट कांग्रेस का ही जीते। लेकिन ये बड़ा झटका हो जाएगा बीजेपी को अगर ये सीट हाथ से निकल जाती है तो। जी बिल्कुल, बीजेपी की तो इस पूरे बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में एक साथ दांव पर लगी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसी विधानसभा से आते हैं, अनिल बलौनी जी ने भी इस पर पूरे अपना पूरा प्रचार प्रसार रखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में 8000 से अधिक वोट मिले हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं जो अभी शुरुआती रुझान में जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है बीजेपी पीछे हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ पे लगी है, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन तक लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पे रैलियां की है, इसके अलावा पूरा बीजेपी का जो संगठन है वो पूरा बद्रीनाथ विधानसभा में झोंका गया, 241 कार्यकर्ता इस पूरे बद्रीनाथ विधानसभा। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कौन यहाँ पर जीत सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान तो देखिए कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन सेवाल, पुलकित शुक्ला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएंगे पिथौरागढ़ की खबर, जहां पर दारचूला तहसील में आसमानी आफत ने तांडव मचा दिया है, बादल फटने से कुलागाड़ का बेली ब्रिज बह गया है। ये ब्रिज बॉर्डर की व्यास, दारमा और चौदास घाटियों को जोड़ता था। कुल बहने से करीब 35 गांव पूरी तरह से अपने घर में ही कैद हो रखे हैं, बाहर जाने का रास्ता जो है उनको नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी ही पानी है। धारचूला के ऊपरी मैदान में, ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर बादल फटा है, जिसके बाद काली नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। लोग इस समय अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इस बाहर निकलने पर सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड टॉप पर है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड अव्वल रहा है, 79 पॉइंट के साथ उत्तराखंड रैंकिंग में टॉप पर है। 2023-24 का SDG इंडेक्स जारी हुआ है, CM पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में, पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, आगे देहरादून से खबर, जहां पर शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा सैन्य धाम भी विवादों में आ गया है। सैनिक कल्याण मंत्री रुकावट दूर करने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धाम को शहीद सैनिकों के नाम पर मजाक बता दिया है।
साल 2021 से देहरादून के पुरकुल में सैन्य धाम बन रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा। सैन्य धाम शुरुआत से यहां प्राइवेट जमीन को लेकर विवादों में रहा है। वैसे दावा तो था कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसी बीच प्राइवेट जमीन के मालिक हाईकोर्ट पहुंच गए, जो अब भी प्राइवेट जमीन में कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी जमीन है, जो 2 बीघे जमीन गेट वगैरह बना हुआ वो मेरी जमीन है। उस जमीन में बल्कि मैं तो बार बार कहा मेरी जमीन है, सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं तो सूचना के अधिकार में जवाब आया, जमीन को मैंने बोला, फिर वो टाल मटोरी करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जमीन दिखाई, दूसरी आप ये ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जमीन लेने को तैयार हूँ। फिर नया कानून लिया है कि 500 मीटर में निर्माण नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँ उस जमीन का, ये न्याय तो नहीं है। शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहे धाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं और इसे मजाक बताया है। वहीं पहली बार इस धाम का शिलान्यास करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक उनके रहते कोई विवाद नहीं था। मुश्किल ये हो रही है कि भाजपा में धाम बनाने की होड़ लगी हुई है। इन्होंने एक धाम सैन्य धाम बनाया, वैसे ही सैनिक हमारे पूजनीय थे, वंदनीय हैं, हमारी हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, हमारे गौरव हैं। इन्होंने वो धाम भी मजाक का पात्र बना दिया। कोई विवाद वहां पर नहीं था। आपको ध्यान भी होगा कि जब तक मैंने, मुझे जहां तक याद है, या जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा, तो किसी तरह का विवाद उस भूमि में नहीं हुआ। अब क्या विवाद है मुझे मालूम नहीं है हरीश रावत जी ने क्यों ये बात कही है, लेकिन हाँ, सैन्य धाम जितनी जल्दी हो सके वो बनना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत सरकार के बाद सैनिक कल्याण विभाग का काम मंत्री गणेश जोशी के पास है और यही विभाग सैन्य धाम बना रहा है। अब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बातों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज की तारीख में सैनिक विभाग का मुखिया मैं हूं। अब मैं एक टिप्पणी करूंगी साहब, पहले क्या था क्या नहीं था, जो भी रुकावट है उसको दूर करेंगे और ये हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे। धाम वैसे तो शहीद सैनिकों के नाम पर बन रहा है, लेकिन जमीन से जुड़े विवाद और देरी ने कहीं ना कहीं धाम का सम्मान कम जरूर कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का विरोध अब खुलकर होने लगा है। आपको बता देते हैं कि चारधाम महापंचायत और केदार सभा इसके विरोध में खुलकर उतर आए हैं। चारधाम महापंचायत का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा, इसका ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गलत तरीके से बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं रुका है, तो चारों धामों में बड़ा उग्र आंदोलन होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये केदारनाथ धाम के महत्व को कम करने की एक बड़ी साजिश है। तो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के मंदिर के विरोध की तपिश अब चारधाम तक पहुंच चुकी है। तीर्थ पुरोहितों में उग्र आंदोलन की चेतावनी देती हुई बातें सामने आ रही हैं। देवस्थानम बोर्ड पर विरोध झेल चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे ही काम का दंड अयोध्या में मिल चुका है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर चुके पुरोहित दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चारधाम महापंचायत ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण रोकने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध की चेतावनी दी है। पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ से शिला लेकर दिल्ली जाना ठीक नहीं है, तो इस पूरे मामले में बद्री केदार मंदिर समिति चुप क्यों है, इस पर भी चारधाम महापंचायत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक, केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को, जो भ्रष्ट छेड़खानी किया वहाँ की परंपरा को अक्षुण किया, हम इसको अच्छे से पटलवा विरोध करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मार्बल केदारनाथ पहुंच चुका है, तो वहां से शिला बाहर जाने पर रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के मुताबिक केदारनाथ से शिला दिल्ली ले जाना ठीक नहीं है और ऐसे ही काम करने का दंड भगवान राम ने बीजेपी को अयोध्या की 6 सीटों पर दिया।
लोगों की आस्था है और वहां पर केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं तो उसका विरोध करने का क्या औचित्य है? बताए ना, क्या भगवान पे किसी खास व्यक्तियों का अधिकार है क्या? अरे हम तो उसके सेवक हैं, कोई भी हम उसके चाकर हैं, और चाकर इस तरह से विरोध करेंगे तो उचित बात? और अगर यहां से सिलाएं जाते हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे लोगों को जो उस सिलाओं को निकालेंगे, जो अनुमति लेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। मंदिर बन रहा है, यहाँ से हमारी सिलाएं उठा के ले जाई जा रही है बिना पुरोहित और पंडू से इजाजत लिए हुए। हमारी देव संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, और उस सरकार के द्वारा जिसकी सरकार में 223 किलो सोना केदारनाथ से चोरी हो गया और आज तक जांच नहीं बैठी। इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में इनको दंडित किया। 6 अगल बगल की सीटें भी हारे है, इस बार ये बद्रीनाथ भी हारेंगे। मंदिर बनाने वाला श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट इस विवाद पर सफाई दे चुका है। 10 जुलाई को मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन गुरुवार को शिव मंदिर में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के मौन व्रत के बाद मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी को जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने पर कोई बुराई नजर नहीं आती, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर चार धाम पुरोहितों के साथ खड़ी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराखंड सरकार उत्तरकाशी में मास्टर प्लान के तहत काम करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। डीएम ने उत्तरकाशी ने सभी यात्रा संबंधित विभागों के साथ बैठकर इन दोनों धामों के मास्टर प्लान के साथ साल 2041 की आवश्यकता के अनुसार डीपीआर तैयार करने को कहा है, जिसमें यात्रियों की सुविधा, सुगमता, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण जैसे अहम पहलुओं को भी केंद्र में रखकर डीपीआर तैयार की जाएगी। ये दोनों हाईवे हमारे डबल लेन हो जाएंगे, तो फिर उस स्टेज में यदि यात्रा का पीक डेज में 30,000-35,000 की संख्या, जो सभी लोग मान के चल रहे हैं इतनी संख्या हो जाएगी अगले 10-1 साल में, तो 30,000 यात्रियों को हम कैसे उनके दर्शन कराएं और उनके लिए फिर क्या पार्किंग की व्यवस्था हो और क्या उसमें पानी की व्यवस्था हो, क्या बिजली की व्यवस्था हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हमें करना होगा, तो उन्हीं बड़ी बड़ी योजनाओं पर हम लोगों ने काम करना है, यही निर्देशित किया था। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अल्मोड़ा से खबर, जहां के जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास किया जा रहा है। मास्टर प्लान के काम में नई दुकानें और जो कई दुकानें हैं और उनके घरों को भी तोड़ा जाना है, जिनको लेकर पर्यटन अधिकारी ने मंदिर समिति, पुजारी और व्यापारियों के साथ बैठक की है। सभी को आश्वासन दिया है कि लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर क्षेत्र का विकास मास्टर प्लान में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके बारे में चर्चा हुई है, सभी स्टेक होल्डरों से हमने इसमें सुझाव मांगे हैं और बहुत सारे सुझाव इसमें पहले से ही हमारे मास्टर प्लान में हैं, और जो नए सुझाव आए हैं उसको हम जल्दी मास्टर प्लान में इसको सम्मिलित कर लेंगे और इस प्रकार से जल्दी इसमें कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद में नवनिर्मित साई शिव शक्ति धाम मंदिर में 5,400 किलो के शिवलिंग की स्थापना की गई। इस शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय लगा है। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा पाठ के साथ 4.5 फीट ऊंचे शिवलिंग को स्थापित किया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में हाईवे पर श्री शिरडी साई समर्थ ट्रस्ट के द्वारा 22 बीघा जमीन में बड़ा मंदिर बनाया गया है। पार्वत शिवलिंग के बारे में तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ये जो भवन बनाया, भवन बनाने के बाद बाबा खुद से पार्वत शिवलिंग लेके आए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि पार्वत शिवलिंग में जिन्होंने गुरुजी ने बनाया, उनकी 10 साल की कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, उसको उन्होंने यहाँ पर ला के स्थापित करवाया। ये बहुत चमत्कार है, चमत्कार बाबा के अलावा कुछ नहीं, उनकी कृपा के अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो बनने में 10 साल लगे और ये डिसाइड अभी 15 दिन पहले हुआ, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात अभी हुई, 10-15 दिन पहले मुलाकात थी, उन्हें जब ये धाम देखा तो उनको बहुत पसंद आया। और ये बढ़ते हैं आगे, रुड़की से खबर, जहां के मंगलौर में प्रेमी जोड़े ने अपने किडनैपिंग की झूठी शिकायत करना उनको भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि 10 जुलाई की रात को कुछ लोगों ने उन्हें तमंचे के बल पर उनका अपहरण करके उनको जंगल में ले गए, उनके साथ मारपीट की गई, पैसे और सारा सामान उनसे लूट लिया।
इसके साथ ही प्रेमिका को छुड़वाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग भी कर डाली। मामले की जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। के मामले का भंडाफोड़ करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाली युवती और उसके प्रेमी शुभम पुत्र वीर सिंह को गिरफ्तार किया और उनसे पूरी जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त युवक को उन्होंने दिल्ली से हनी ट्रैफिकिंग में फंसा के मंगलौर बुलाया था और उससे मारपीट कर खुद के भी अपहरण का नाटक रचा था और उससे बड़ी राशि उगाहने की कोशिश थी इनकी। कोटद्वार में भारी बारिश के बाद मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लोगों के साथ ही सिड़कुल का भी कोटद्वार से संपर्क टूट चुका है। हालात तो ये हो गए कि छोटी गाड़ियां तो एक रूट से दूसरे रूट के लिए डाइवर्ट कर दी गई हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों को उस रूट से जाने पर पाबंदी है, जिस रूट पर आप देख सकते हैं कि ज्यादा मुसीबत आने की संभावना है। ट्रक ड्राइवरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो चुका है। कई दिनों से ट्रक के नदी के किनारे फंसे होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाँ भाई साहब, रास्ता खराब हो रखा है 4 दिन से, यहाँ से आवाजाही बंद हो रखी है, खाना पीना कुछ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। ड्राइवरों तकलीफ में ही जीना, घुट घुट के जी रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हो गई होंगी, गाड़ियाँ सब लाइन से खड़ी हो गई, सब